रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। ये चिकन टिक्का और मैं कटिंग कर रहा हूँ चिकन। ये साइज रहेंगे चिकन टिक्का। ये साइज ये चिकन टिक्के के लिए मैरिनेट चिकन कर रहे हैं हम। लहसुन 1 चम्मच उसके बाद विनेगर थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच। इसको 10-15 मिनट के लिए एकदम ऐसे मिला के रख देना है। थोड़ी देर में अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा तो इसके मसाला बना के फिर हम बनाएंगे चिकन टिक्का। अब दही को हमें इस तरीके से इसे टांग के रख देना है कि जितना भी इसका पानी है सब निचोड़ जाए ना। तो ये देखिए हमारा जो दही है बिल्कुल अच्छा से हैंगिंग हो गया है। बहुत ही बढ़िया गाढ़ा दही हमें मिल गया है। चिकन टिक्का बनाने के लिए दोस्तों ये देख लीजिए दही बहुत मुश्किल से 50 ग्राम हैंग की हुई है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच स्वाद अनुसार। देगी मिर्च 1 चम्मच 1 मटन मसाला 1 चम्मच ये किचन किंग 1/2 चम्मच गरम मसाला 1/2 चम्मच 1/2 चम्मच आमचूर दो से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल खाने वाला कलर हल्का सा इससे जिससे कि लाल कलर लाल हो जाए थोड़ा सा। ये चिकन टिक्का का हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन टिक्का डालेंगे जो कट पीस हमने किया था। अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल लें। ये हमारा रेडी हो गया। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है इससे कि मसाले इसके अच्छी तरीके से मिल जाए। ये चिकन टिक्का हमारा मसाले में एकदम मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम सरिया में लगा रहे हैं और इसको रोस्टेड करेंगे 12 से 13 मिनट तक इसको पकाएंगे।
चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे। तो हमारा चिकन टिक्का जो है बनके तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, और ये सैफ बनाया है आप देख ही सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे चिकन टिक्का बनाएं छोटा ग्रिल पे, और कैसा बना आप जरूर बताएं। तो चिकन टिक्का तो बनाए हैं सैफ, और देखिए ये चटनी जो है ग्रीन वाला जो कि खाते हैं रेस्टोरेंट में, चिकन टिक्का या चिकन चिल्ली या आप तंदूरी चिकन के साथ खाते हैं वही वाला चटनी है। तो इसका भी वीडियो आप देखना ना भूलें, हमारे चैनल पर अपलोड है। और ये चटनी का स्वाद जब आप बनाएंगे तभी आप खुद समझ पाएंगे, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो आप भी अपने घर में बनाएं खाएं, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आज का जो रेसिपी हमारा कैसा लगा आपको। अगर आपको हमारी ये चिकन टिक्का का रेसिपी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ के साथ हमारे चैनल रोज़ाना खाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें।